मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। ये बिजनेस मैथमेटिक्स का सेकंड चैप्टर है, प्रॉफिट एंड लॉस। बिजनेस मैथमेटिक्स नंबर प्रॉफिट एंड लॉस। इसको बोलते हैं लाभ तथा हानि, लाभ तथा हानि। तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स है जिसको याद रखना जरूरी है और उसके हिसाब से अपने को प्रॉफिट, जो भी अपन आर्थिक व्यवहार करते हैं उसमें प्रॉफिट या लॉस हुआ है वो कैलकुलेट करने के लिए बोला जाता है। तो पहला जो वर्ड्स है वो है प्रॉफिट। प्रॉफिट इसका मतलब ये होता है कि लाभ, उसके बाद लॉस। लॉस का मतलब होता है हानि, लॉस का मतलब होता है हानि। उसके बाद में कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस ये खरीदी मूल्य। उसके बाद सेल प्राइस का मतलब होता है बिक्री मूल्य। बिक्री मूल्य और प्रॉफिट निकालना है तो इसको शॉर्ट में सीपी कहा जाता है, कॉस्ट प्राइस, एंड इसको शॉर्ट में एसपी कहा जाता है। उसके बाद में प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट तो इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी। एंड सेलिंग प्राइस में से अगर अपने को कॉस्ट प्राइस अगर माइनस कर देते हैं तो यहाँ पे प्रॉफिट निकलता है। लॉस निकालना है तो सीपी माइनस एसपी, सीपी माइनस एसपी। अगर लॉस हुआ है और ना लॉस, अगर अपने को टोटल लॉस निकालना है तो जो खरीदी मूल्य होता है, कॉस्ट प्राइस होता है, उसमें से सेलिंग प्राइस अगर माइनस करते हैं तो लॉस कैलकुलेट किया जा सकता है। तो प्रॉफिट यहाँ पे जनरली प्रॉफिट ऑफ परसेंटेज पूछा जाता है, प्रॉफिट ऑफ परसेंटेज। प्रॉफिट ऑफ परसेंटेज अगर पूछा है तो पी, पी मीन्स प्रॉफिट डिवाइड बाय सीपी, सीपी इंटू 100। तो ये फार्मूला लगाना है। और अगर लॉस परसेंटेज में पूछा जाता है, लॉस ऑफ परसेंटेज में पूछा जाता है तो यहां पे आएगा लॉस डिवाइड बाय ये जो सीपी है इसको, कॉस्ट प्राइस को डिवाइड करेंगे इनटू 100। तो इस प्रकार से ये जो वर्ड्स है ये वर्ड्स आपको ध्यान में रखना है। सीपी अगर निकालना है, सीपी कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए बोला है तो एसपी, यहाँ पे एसपी माइनस प्रॉफिट, माइनस प्रॉफिट ये अगर करते हैं तो सीपी निकल जाता है। और एसपी अगर निकालने के लिए बोला है, सेलिंग प्राइस निकालने के लिए बोला है तो यहाँ पे सीपी माइनस यहाँ पे आ जाएगा प्रॉफिट। तो इस प्रकार से ये जो वर्ड्स है ये वर्ड्स आपको ये कैलकुलेशन में या ये
प्रॉफिट एंड लॉस के जो लेशन है उसमें याद रखना जरूरी है। चलो एग्जाम्पल लेते हैं उसके, और एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, तो इसमें दीपक परचेस ए मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल कॉस्टिंग रुपीज 60,000, एंड सोल्ड इट फॉर रुपीज, फॉर रुपीज 50,625 after one year find the percentage of profit or loss, तो यहां पे पूछा गया है दीपक ने एक मोटरसाइकिल खरीदी किया जिसका प्राइस था 60,000 और उसने एक साल के बाद में उसको 50,625 रुपए में बेच दिया। तो यहां पे फाइंड द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तो अपने को प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है और वो कितना प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज में हुआ है वो कैलकुलेट करना है। तो मोटरसाइकिल कॉस्ट प्राइस जो खरीदा है, जिसमें परचेस किया है, वो कॉस्ट प्राइस होगी। तो यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे, देयरफॉर मोटरसाइकिल कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 60,000। 60,000 में उसने खरीदा था, उसके बाद में मोटरसाइकिल उसको बेचा, मोटरसाइकिल सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कितना है, 50,625 उसने बेचा एक साल बाद। तो यहां पे देखिए ये जो सीपी है, तो सीपी ये ज्यादा है और एसपी ये कम है, यानी 60,000 में खरीदा और उसको बेचा 50,000 में, तो यानी इसका मतलब यहां पे लॉस हुआ। तो लॉस का मैंने एक सूत्र आपको लिख कर दिया था, सीपी लॉस का सूत्र था सीपी माइनस एसपी। तो देयरफॉर टोटल लॉस इज इक्वल टू टोटल लॉस इसमें आएगा सीपी माइनस एसपी। तो सीपी है 60,000 एंड एसपी है सेलिंग प्राइस 50,625। तो टोटल लॉस हो गया, कितना लॉस हुआ टोटल, 9,375। तो यहां पे आएगा 9,375, ये टोटल लॉस हो गया। अब ये लॉस को क्या करना है, परसेंटेज में दिखाना है। तो यहां पे ये इसको क्लियर करेंगे, मोटरसाइकिल
मोटरसाइकिल सेलिंग लॉस कितने में 9375 रुपीज। ये सेलिंग लॉस हो गया, तो लॉस परसेंटेज में निकालना है। यहां पर लिखता हूं लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस डिवाइड बाय सीपी इनटू 100। ये फॉर्मूला लगेगा, तो लॉस कितना है 9375 एमसीपी। खरीदी कीमत कितनी है एससीपी 60,000 इनटू 100। इस प्रकार से आएगा, तो यहाँ पे हो जाता है उसका कैलकुलेट अगर करते हैं तो 15.625% ये उसका आंसर है। तो इस प्रकार से ये एग्जांपल किए जाते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल अशोक परचेस। नेक्स्ट अशोक परचेस 180 dozen eggs at the rate rupees 31.60 per dozen 60 eggs are broken in transportation. He sell the remaining eggs at the rate 36 rupees per dozen. 36 rupees per dozen. Calculate his profit. तो यहां पे पूछा गया है कि अशोक ने क्या किया, परचेस किया 180 डजन एग्स एट द रेट रुपीज 31.60 पर डजन। 60 एग्स आर ब्रोकन इन ट्रांसपोर्टेशन। यातायात में क्या हो गया, 60 अंडे ब्रोक हो गए यानी टूट गए। He sell the remaining eggs, बचे हुए जो eggs थे वो 36 रुपए पर डजन के हिसाब से उसने बेचा, तो उसको कितना प्रॉफिट हुआ। तो पहले तो कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, फिर सेलिंग प्राइस निकालेंगे, फिर कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस माइनस करेंगे तो
प्रॉफिट निकलेगा और प्रॉफिट को परसेंटेज में निकालेंगे। इजी क्वेश्चन है। तो अशोक परचेस यहां पे आएगा सॉल्यूशन, इसमें आएगा देयरफॉर टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ वन एटी एच 180 डजन एट द रेट कितना 31.60 इज इक्वल टू इसमें 180 इंटू 31.60 तो इसका कैलकुलेशन आएगा 5688। तो ये हो गया टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ एग्स, ये इसको बोला जाएगा सीपी कॉस्ट प्राइस। अब क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस निकालेंगे। तो कितना 68 का 5 डजन, तो 5 डजन एग्स ब्रोकर फुट गए। उसके बाद में रिमेनिंग एग्स इज इक्वल टू टोटल कितने थे 180 डजन माइनस 5 डजन इज इक्वल टू 175। रिमेनिंग एग्स 175 डजन फॉर सेल, बेचने के लिए उसके बाद में 175 डजन एग्स बचे हैं। तो क्या रेट से बेचा उसने, 36 रुपीज के हिसाब से। तो देयरफॉर टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ एग्स तो 175 डजन इंटू 36 रुपीज पर डजन, इसका आंसर आएगा 6300। तो ये हो गया उसका सेलिंग प्राइस, इसका सेलिंग प्राइस हो गया, लिख दीजिए। सेलिंग प्राइस ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो यहां पे प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, तो एसपी कितना है 6300 माइनस सीपी कितना है 5688। इस प्रकार से है। तो उसको जो प्रॉफिट हुआ है
प्रॉफिट कितना 612, 612 रुपया प्रॉफिट हुआ है। तो टोटल प्रॉफिट यहाँ पे बोला गया है, परसेंटेज में नहीं पूछा है, केवल अपने को प्रॉफिट पूछा है कि कितना प्रॉफिट हुआ है। तो ये यहाँ पे टोटल प्रॉफिट 612, इस प्रकार से कैलकुलेट किया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, मिस्टर नरेंद्र अर्न, थर्ड नंबर का मिस्टर नरेंद्र अर्न 12.5% प्रॉफिट ऑन द टीवी, प्रॉफिट ऑन द टीवी टेलीविजन विच इज सोल्ड फॉर रुपीज, विच इज सोल्ड फॉर रुपीज 19,880. Find out the cost price of TV. Find out the cost price of TV. अब यहाँ पे ये एग्जांपल में अपने को कॉस्ट प्राइस पूछा है। तो कॉस्ट प्राइस देखिए, मिस्टर नरेंद्र अर्न 12.5% प्रॉफिट ऑन द टीवी विच इज सोल्ड फॉर रुपीज 19,880। फाइंड आउट द कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी। अब वो कॉस्ट प्राइस क्या थी ये अपने को पता नहीं है, लेकिन वो टीवी उसने 19,880 को बेचा है, और उसको बेचने के बाद में उसको 12.5% क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो उसने वो टीवी कितने में खरीदा था, कॉस्ट प्राइस क्या थी। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे, जो बातें अपने को पता नहीं है उसको अपन क्या करेंगे, 100 मानते हैं। तो सपोज the TV cost price is equal to 100 rupees। मान के चलते हैं कि उस टीवी की कॉस्ट प्राइस कितनी है, 100 रुपीज है। नरेंद्र अर्न 12.5% प्रॉफिट, नरेंद्र अर्न 12.5% प्रॉफिट ऑन सीपी, सीपी के ऊपर उसने प्रॉफिट किया है। तो ये 100 रुपीज हो गया, 100 पे 12.5%, तो 12.50 रुपये हो गए। तो यहाँ पे उसकी जो प्राइस निकलेगी ये हो गया कॉस्ट प्राइस, ये प्रॉफिट हो गया, तो 112.50 रुपीज ये क्या हो गई, सेलिंग प्राइस हो गई। तो सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी, देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी इज इक्वल टू 112.50 रुपीज।
ये हो गया। अगर उसकी 100 रुपया कॉस्ट प्राइस रहती है और उसके ऊपर 12% 12.5% 12.50 रुपया यानी 12.50% अगर प्रॉफिट कमाते हैं तो 100 रुपये पे 12.50 रुपये प्रॉफिट होगा तो उसकी सेलिंग प्राइस 112.50 रुपीज क्या हो गया, उसका सेलिंग प्राइस हो गया। अब इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी, उसको कैलकुलेशन में करेंगे उसका, ए इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी कितनी 100 रुपीज when selling price कितना है 112.50 रुपीज। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी कितना है 9,880 when cost price question mark। तो देखिए इस आधार से अपन ने ये यहाँ पे कैलकुलेट करने की कोशिश किया है। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी 100 रुपीज, उसकी कॉस्ट प्राइस अगर 100 रुपीज अपन मानते हैं तो वेन सेलिंग प्राइस कितनी आती है 112.50 रुपीज। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी, अगर सेलिंग टीवी की सेलिंग प्राइस अगर 19,880 है तो वेन कॉस्ट प्राइस क्वेश्चन मार्क, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, तो यहाँ पे 100 as 2 112.50 as 2 19,880 इस प्रकार से इक्वेशन बनेगा। तो आगे का यहां पे कैलकुलेट करता हूं इस पे। तो यहां पे 100 divided by 112.50 into ये मल्टीप्लीकेशन आएगा 19,880 इस प्रकार से। और इसका अगर कैलकुलेशन करते हैं तो ये आता है 17,671 इसका कैलकुलेशन ये आता है। तो देयरफॉर कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी इज इक्वल टू 17,671। अब आप इसके ऊपर निकाल के देखिए 12.50% और उसमें वो अगर मिलाते हैं तो अपने को 19,880 रुपया यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है, तो उसकी प्राइस मिल जाएंगे। इस प्रकार से ये एग्जांपल को सॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे, एक नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल नंबर 4। मिस्टर अनिल bought an article and article for rupees 24,000
24,000 and sold it at a profit of profit of 25%. Find out selling price. He had sold at a loss of 25. Find out selling price. If he sold he had sold it at a loss 25%. तो यहाँ पे एग्जाम्पल ये पूछा गया है, अनिल ने एक आर्टिकल खरीदी किया है 24,000 में, यानी 24,000 में अनिल ने एक आर्टिकल खरीदी किया है और उसको सोल्ड किया है, तो उसको कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ? 25% प्रॉफिट हुआ। अगर सेलिंग प्राइस ही हैड सोल्ड, तो अपने को क्या करना है? फाइंड आउट सेलिंग प्राइस निकालना है। अगर उसको 25% लॉस होता है तो उसका उस आर्टिकल का सेलिंग प्राइस क्या होगा? अब उसका आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस यहां पे दिया हुआ है, यहां पे सॉल्यूशन करेंगे, यहां पे आर्टिकल कॉस्ट प्राइस मिनसीपी कितना दिया हुआ है? 24,000 उसने खरीदा था वो। उसके बाद में आर्टिकल 25 प्रॉफिट ऑन 24,000। उसके बाद आर्टिकल को क्या किया? सोल्ड किया। आर्टिकल 25% प्रॉफिट सोल्ड। प्रॉफिट ऑन कितना? 24,000। 24,000 पे उसने 25% क्या किया? प्रॉफिट किया। तो इसका 25% आएगा, 6×24 तो 6,000 रुपए, 6,000 रुपए आ गए। मीन्स 6,000 कैसे है? 24,000 डिवाइड बाय 100 × 100। यहाँ पे 20, यहाँ पे 2 0 कटेंगे, इसको मल्टीप्लाई किया, ये 6,000। इस प्रकार से तो आर्टिकल सेलिंग प्राइस देयरफॉर
आर्टिकल सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट, सीपी प्लस प्रॉफिट, तो सीपी है उसका 24,000 एंड प्लस 6,000 क्या है प्रॉफिट है, तो यहाँ पे 30,000 क्या हो गया सेलिंग प्राइस हो गया, तो 30,000 रुपीज सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल, सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल। तो ये 30,000 हो गया उसका सेलिंग प्राइस। अब किया क्या है कि उसने लास्ट पे बेचा है, यहां पे दिया हुआ है अगर 25 लास्ट पे वो बेचता है तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, ये लास्ट पे अगर बेचता है तो कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल, कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज इक्वल टू 24,000 और 20% 25% देयरफॉर 25% लॉस ऑन 24,000, क्योंकि कॉस्ट प्राइस पे लॉस बोला है, तो यहाँ पे 24,000 डिवाइड बाय 100 इनटू 25 इज इक्वल टू कितना आएगा 6,000, उसका आंसर 6,000। तो सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल therefore selling price of article is equal to 25% लॉस, तो इसका आएगा एसपी सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस, माइनस लॉस, उसका सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस कितना है 24,000 माइनस लॉस 6,000, यहाँ पे आएगा 18,000। तो उसका जो सेलिंग प्राइस है आर्टिकल का 20% लॉस का, तो वो है 18,000। इस प्रकार से एग्जाम्पल को सॉल्व किया। इस प्रकार से ये चार एग्जाम्पल आपको छुड़ा के दिया है, इसी प्रकार से एग्जाम्पल को आपको सॉल्व करना है और इस प्रकार से सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, लॉस एंड प्रॉफिट किस प्रकार से निकाला जाता है, इसके एग्जाम्पल अपन यहाँ। थैंक यू।